हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्रेटा का BS6 2020 SX मॉडल का। काफ़ी बढ़िया लुक मिल जाती है कार की, और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ब्रॉड ग्रिल मिल जाती है। आजकल ब्रॉड ग्रिल इंस्पायर चल रही हैं, और ये हमको यहाँ LED DRL देखने को मिल जाती है, और ये ट्राई प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि LED है, और ये नीचे फॉग लैम्प देखने को मिल जाते हैं, और सामने से कुछ ऐसा ओवरलुक मिल जाता है कार का। काफ़ी ही बोल्ड और काफ़ी स्टनिंग लुक दे दिया गया है, और ये आप ग्रिल देख सकते हैं काफी ब्रॉड है। अब ये चल ही रहा है, और ये डिफ्यूजर मिल जाता है, काफी बढ़िया लगती है। और अब हम इसकी साइड प्रोफाइल चेक करते हैं। साइड प्रोफाइल में आप लोग देख सकते हैं एलॉय व्हील मिल जाते हैं हमको, जो कि नॉर्मल एलॉय व्हील है। SX ऑप्शनल में ज्यादा अच्छे एलॉय व्हील मिल जाते हैं, और हमें मिल जाता है 215/60 R17 17 इंच का टायर। काफी ब्रॉड और ह्यूज लगता है ये टायर भी, और साइड प्रोफाइल क्रेटा की कुछ ऐसी लगती है, ओल्ड क्रेटा से हल्की सी सिमिलर है। और ये क्रोम डोर हैंडल और कीलेस एंट्री मिल जाती है हमको, और काफी प्रीमियम बन जाती है। और आप देख सकते हैं ये सैटन फिनिश मिल जाती है, जो कि काफी प्रीमियम लुक दे देती है कार को। और ये रूफ रेल्स मिल जाती है व्हाइट कलर के साथ, काफी प्रीमियम लग रहा है। और गाइस, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड से भी काफी ब्रॉड लग रही है क्रेटा, आप देख सकते हैं हाई स्टॉप माउंट लैम्प दे दिया गया है, और आगे की तरह पीछे भी सेम डिजाइन फॉलो की गई है 3 LED की, और ये SX की बैजिंग, और ये रिवर्स इंडिकेटर। और आप देख सकते हैं ये बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसकी प्लेसमेंट काफी सही है, जो काफी अच्छा व्यू दे देती है आपको। और पीछे से काफी अच्छी लग रही है क्रेटा, आप देख सकते हैं। ये हमको रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाता है, और ये ऊपर शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। और इसके साथ हम ये देख सकते हैं ये रूफ रेल सैटन फिनिश में काफी प्रीमियम लग रही है व्हाइट कलर के साथ। और ये क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और जो मेन टॉकिंग पॉइंट है वो इसका पैनारोमिक सनरूफ, जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी काफी। अब हम डोर खोल के देख लेते हैं, और डोर खोलेंगे तो ये हमें हाइट एडजस्टर मिल जाता है, जो हाइट सेट करने के लिए है। और अब हम कार के अंदर, तो गाइस अब हम आ गए हैं कार के अंदर। आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया फिनिश में मिल जाता है आपको। और ये हुंडई क्रेटा का नया इस डिजाइन का स्टीयरिंग व्हील है, काफी प्रीमियम है। और ये साइड डोर पैनल आप लोग देख सकते हैं डुअल टोन मिल जाते हैं, और मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं पूरी सेफ्टी के साथ आपके लिए। COVID-19 में वीडियो बनाने के लिए आ गए हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। और यहाँ आपको AC वेंट्स का कुछ ऐसा डिजाइन मिलेगा, जो काफी स्पोर्टी लुक दे देता है। और यहाँ आपको मेन हाईलाइट मिल जाती है कार की, जो कि इसकी टच स्क्रीन, काफी फ्लूइडिक डिजाइन मिल जाता है। हाँ, हालांकि वेन्यू जैसी है, लेकिन वेन्यू से काफी बड़ी और काफी प्रीमियम मिल जाती है आपको। ये आपको गियर नॉब मिल जाता है, यहाँ आपको ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल, ये हजार लैंप, और ये वायरलेस चार्जिंग के लिए गियर बॉक्स। गियर नॉब काफी प्रीमियम है, लेदर स्टिच गियर नॉब है 6। और ये रियर व्यू कैमरे के लिए बटन मिल जाता है आपको, और यहाँ हमको हैंड ब्रेक मिल जाता है। हैंड ब्रेक किसी भी प्रकार का क्रोम नहीं किया गया, क्योंकि SX मॉडल है। ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट में काफी स्पेस है, आप देख सकते हैं। आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके का ऐसा कुछ अपन को मिल जाता है। और अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखा देता हूं, और अब हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है आपको कार का। एक्चुअली में कार की बैटरी लो है, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ऑन नहीं हो रहा। तो ऐसी कुछ की मिल जाती है हमको, सेम हुंडई वेन्यू जैसी की मिल जाती है आपको SX मॉडल में। सेम वही फीचर्स हैं, लॉक अनलॉक बूट और हॉर्न के लिए, एंटी थेफ्ट अलार्म के लिए। तो की रखने की को हम यहाँ रख देते हैं, और ऐसा कुछ इंटरफेस मिल जाता है, ये वॉल्यूम के लिए, AC के कंट्रोल, ये गियर नॉब, और यहाँ के भी AC वेंट्स काफी मस्कुलर मिल जाते हैं। और मैं आपको सीट दिखाऊं, तो सीट भी आपको डुअल टोन मिल जाती है SX में। ये फैब्रिक है, किसी भी तरह का लेदराइट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे कुछ हमें साइड मिरर्स मिल जाते हैं, और ऊपर हम देखें तो यहाँ कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता। टिकट होल्डर मिल जाती है आपको, यहाँ देखें तो आपको बहुत ही LED लाइट मिल जाती है, जो कि काफी सही है। और यहाँ देखें तो आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की लाइट नहीं मिलती है। यहाँ आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, जो कि वेन्यू में मिसिंग है। ये आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं, SOS, ब्लू लिंक, और उसके लिए टो करने के लिए ये आपको LED मिल जाते हैं। और जो मेन टॉकिंग पॉइंट है वो है इसका सनरूफ,
सनरूफ कितनी बेहतरीन लगती है आप लोग देख सकते हैं। मैं सनरूफ को ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको सनरूफ ऑपरेट करने के लिए बटन मिल जाते हैं जो कि सिमिलर है वेन्यू की तरह। आप देख सकते हैं पूरी फुली ऑटोमेटिक पैनारोमिक सनरूफ है। तो अब हम इसको वन टच में ऐसे करते हैं तो आप देख सकते हैं कर्टेन पूरा पीछे चले जाएगा। काफी बढ़िया फीचर दे दिया गया है और ये सनरूफ भी ओपन हो रही है। आप देख सकते हैं काफी बढ़िया और काफी ह्यूज सनरूफ दे दी गई है। आप देख सकते हैं और ये कर्टेन खुल जाता है ताकि धूल मिट्टी ना घुसे। और काफी ऊंची सनरूफ दे दी गई है, ऊंची सनरूफ दे दी गई है। तो अब इसको सनरूफ को लगाने के लिए भी हम वन टच कर सकते हैं जिससे सनरूफ लग जाएगी और कर्टेन भी लग जाएगा। तो सनरूफ लगने के बाद अगर आप क्रेटा के अंदर बैठेंगे तो आपको काफी स्पेशियस लगेगी, काफी प्रीमियम मिल जाती है क्रेटा। वेन्यू से तो काफी एक अपर सेगमेंट है तो ऑफकोर्स प्रीमियम मिल जाती है। ये आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है, ग्लो बॉक्स कूल्ड है लेकिन किसी भी प्रकार की लाइट नहीं मिलती है ग्लो बॉक्स में। और एक और फीचर मिल जाता है, आप देख सकते हैं कि अभी स्क्रीन चल रही है जबकि गाड़ी ऑफ है। तो मैं जैसे ही डोर को खोलूंगा तो स्क्रीन अपने आप बंद हो जाएगी। देखिए स्क्रीन अपने आप बंद हो गई है। और अब हम जल्दी से चलते हैं इसके पीछे की साइड। स्टीयरिंग आपको टिल्ट मिल जाती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है स्टीयरिंग का, सिर्फ टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं आप इधर से, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगी आपको। यहाँ आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर। तो चलिए अब हम पीछे चल के देखते हैं कार के। और यहाँ बेसिक्स मिल जाते हैं आपको वेन्यू की तरह सेम है। तो चलिए अब पीछे चलते हैं। हम कार में पीछे आ गए हैं, आगे की सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा काफी ज्यादा स्पेस मिल जाती है क्रेटा में आपको। क्रेटा की यही खासियत है और काफी लग्जरी मिल जाती है। यहाँ आपको लैंप मिल जाता है, वो भी एलईडी मिलता है, काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, आपको सनरूफ का कर्टेन मिल जाता है। साइड में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है दो कप होल्डर के साथ, काफी प्रीमियम है। और जो एक फीचर जो मुझे मिसिंग लगा वेन्यू में वो किया है सन ब्लाइंड, काफी सही दे दिया है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए इसमें शटर हो जाता है और जब आपका मन करे आप लगा सकते हैं। काफी बढ़िया फीचर दे दिया गया है। और मेरे साइड में वेन्यू BS6 खड़ी है। और उसके बाद हम साइड कर्टेन इस डोर में भी मिल जाता है तो हम इसको भी ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं। और पीछे भी डुअल टोन थीम दिया गया है जो काफी प्रीमियम बना देता है कार को। एम्पल और स्पेस है मेरे लिए। और पीछे एसी वेंट्स मिल जाते हैं वही आगे की डिजाइन की तरह जो काफी प्रीमियम लुक दे देते हैं। पीछे भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और यहाँ आपको कुछ स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। काफी डीप है ये स्पेस, आप फोन अपना आराम से रख सकते हैं। याम रेस्ट मिल जाता है, आराम से हाथ भी रख सकते हैं इस पे। ये एडजस्टेबल हेड रेस्ट जो मेन हाईलाइट है वो है ये कुशन, कुशन भी मिल जाती है आपको। ये कुशन है एडजस्टेबल हेड रेस्ट के साथ SX मॉडल में जो काफी बढ़िया फीचर है। अब हम बूट स्पेस चेक कर लेते हैं और बूट खोलते हैं तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा है बूट स्पेस है। हमें 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है क्रेटा में। और यहाँ हमें बूट लैंप देखने को मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक है। और ये आपको टो ये किट मिल जाती है स्टेपनी के लिए जब टायर पंचर हो। और इसको हम उठा के देखें तो यहाँ आपको टायर मिल जाता है, अपोलो का टायर मिल जाता है आपको, स्पेयर टायर। और ये फर्स्ट एड किट रखी हुई है। और आप देखें तो हमें एक इंच छोटा मिलता है जो कि है 205 R16, मतलब 16 इंची का टायर जो कि एक डाउन साइड है। और बूट काफी बड़ा मिल जाता है, आप देख सकते हैं काफी ह्यूज है। और यहाँ हमको हैंडल दिया गया है जिससे हम आसानी से बूट लगा सकते हैं। और ये बैक साइड हो जाती है क्रेटा की जो कि अगेन काफी प्रीमियम बना देती है। और ये कुछ था क्रेटा का रिव्यू। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो क्रेटा को लेकर तो प्लीज कमेंट करें। ये मैंने आज रिव्यू करा है क्रेटा का BS6 SX मॉडल का और ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं।